अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, एक और यूजर्स रिव्यू के साथ तकी अब्बास आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। और इस वक्त हम एक अल्टीमेटली मतलब एक विंटेज कार का इस वक्त हम लोग यूजर रिव्यू करने जा रहे हैं, और बिलाल भाई से हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे और बिलाल भाई से पूछेंगे कि क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशन या कुछ इसमें कुछ करा है, या मतलब इतनी विंटेज मतलब विंट करेक्ट कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है। और इस वक्त मैं देख के हैरान हूँ कि मतलब इस कंडीशन के अंदर और इतनी स्पेशियस और मतलब वेयर ये टोयोटा क्राउन है एस लिमिटेड एडिशन, फुल ऑप्शन वाला एडिशन आता था ये 1986 में। और इसके अंदर आते थे टू वेरियंट्स आते थे, 2M and 5M करके, और वन ऑफ देम वॉज 2500cc पेट्रोल एंड वन ऑफ देम वॉज द अदर वन वॉज 3000cc डीजल। अभी मैंने इसके अंदर स्वैप किया हुआ है 1UZFE ऑफ LS 400, थर्ड जनरेशन का ये इंजन और गियर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। सही है। उसके अलावा इसके ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक शूज और ब्रेक रोटर्स इसके अंदर बड़े डाले हुए हैं मैंने। LSD से ये इक्विप हुई हुई है, टॉर्सन से। आजकल लोग जो हैं क्लच वाली LSD डालते हैं, मैंने इसके अंदर ओरिजिनल टॉर्सन डाला है, जापान से ये आई थी, सिर्फ जापान में चला था वो टॉर्सन। और टॉर्सन की LSD डाली हुई है, स्टॉक पाइपिंग के ऊपर है। बाहर से ये थोड़ी सी एंटीक लगती है, लेकिन जब आप इसका दिल देखते हैं तो इसके अंदर एक नया दिल डला हुआ है। कैसे मतलब इतनी उम्र में मेंटेन की हुई गाड़ी है? ये बेसिकली अमेरिकन एम्बेसी के पास थी गाड़ी, 2019-2020 के अंदर मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने उनसे ली डायरेक्ट, इट वॉजेंट एन ऑक्शन कार, उनसे उन्होंने डायरेक्ट ली क्योंकि वो एक MI के ऑफिसर हैं। सही है। और उन्होंने ली, फिर उसके बाद हमारे एक जानने वाले हैं स्वैप लैब्स, उनके वो ओन करते हैं, अली सौजा बलोच उनका नाम है, ही इज़ अ वेल नोन पर्सन इन कार कम्युनिटी राइट नाउ, और ही इज़ द वन हु डिड ऑल ऑफ दिस मैजिक, जिसके अंदर दिस कार गिव्स द परफेक्ट माइलेज, परफेक्ट नॉइज, परफेक्ट फैमिली कार, वर्क्स विद ऑल द ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। और ये माइलेज अगर मैं आपको बताऊँगा आप थोड़े से हैरान होंगे, सिविक और आजकल की सिविक से और गाड़ियों से बेहतर एवरेज देती है ये। कितना दे रही है? ये तकरीबन 10 से 11 देती है एसी के ऊपर कराची की गर्मी में। 4000cc। और इट्स अ परफेक्ट डेली ड्रिवन कार। मैं अपनी, मेरे पास आई हैव 3 more cars बट आई प्रेफर दिस कार। एवरी डे मेरी यूनिवर्सिटी होती है, उधर जाना आना मेरा इसी गाड़ी में होता है। सही है। बाकी ये स्माइल ले आती है यंगस्टर्स के मुंह पे। सीरियसली यार, मतलब मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर अभी तक, मुझे कोई अपनी गाड़ी में बैठो ना तो थोड़े पसे हुए या टायर का थोड़ा सा इशू आ रहा है, यहाँ पे कंफर्टेबली सिटिंग है राइट नाउ। ऐसा ही है, देयर इज नो वाइब्रेशन इन द कार। उसके बाद फ्रंट पे भी स्प्रिंग्स हैं, पीछे भी स्प्रिंग्स हैं इसके। सही है। और ये परफेक्ट राइड हाइट के ऊपर है, 17 inch के अलॉय रिम्स डाले हुए मैंने विद 215, 45 and R17 इन फ्रंट, 225, 45 एंड R17 इन रियर। परफेक्ट ड्रिफ्ट कार, परफेक्ट ट्रैक कार और परफेक्ट ये गाड़ी है। 300 हाँ, ये आजकल लाइक इट्स बीन लाइक 4 months सिंस आई हैव बॉट दिस कार फ्रॉम माय रिलेटिव, और सिंस दैट डे से आज का दिन है और मैं एवरी सैटरडे को ये ट्रैक पे जाती है, औरों को भी खुश करती है, मुझे भी खुश करती है, दूसरी कॉम्पिटिटिव गाड़ियों के साथ साथ ये जुड़ के चलती है। बिकॉज 1UZFE इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन टोयोटा एवर प्रोड्यूस्ड, दुनिया भर में इसको माना जाता है। सिर्फ इसका ये ड्रॉबैक है जो आपको सिर्फ देखना पड़ता है इज द ऑयलिंग ऑफ दिस कार एंड नेवर मेक दिस कार गो हीटिंग। तो मतलब कितने किलोमीटर्स पे तुम कर देते हो चेंज ऑयल? अभी मैंने अभी तक इसके अंदर पहली दफ़ा मैंने किया है, जब मैंने ख़रीदी थी उसी वक्त किया था। आई हैव चेंज ऑल द ल्यूब्स और उसके बाद जो है इसके टॉर्सन के जो डिफ का ऑयल आता है वो भी चेंज्ड है, आपका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज्ड है और आपका इंजन ऑयल चेंज है। दैट कॉस्टेड मी अराउंड 20,000 to 18,000 रुपीज़। सही है। और 10 की एवरेज के हिसाब से, और अगर मैं इसको 5 महीने के बाद भी इसको चेंज करता हूँ तो आई थिंक दैट इज़ अ प्रिटी मच गुड डिफरेंस दैट आई एम पेइंग। रियर एसी है इसके अंदर, 86 के अंदर दिया था क्राउन ने। मिनी फ्रिज का भी बता रहे थे जी, तो ये इसके अंदर पीछे मिनी फ्रिज भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं दोनों फ्रंट वाली। सही है। उसके अलावा दिस कार इज इक्विप्ड विद एवरीथिंग जो कि नॉट मॉडिफाइड, मतलब नो, दिस इज बिल्ट इन। इसको सोफा सीट्स कहते हैं बेसिकली। रेड कलर इसका सबसे वो होता था, लग्जरियस की तरफ आता था। इसके अंदर 2 colors आते थे, एक ब्लू आता है और एक रेड आता है। रेड और ब्लू को जो एक बड़ा लग्जरी फील के अंदर लोग खरीदते थे जापान में भी और यहाँ भी। आपने कि तुम्हें अभी 4-5 महीने पहले तुम क्या रहे ये तकरीबन आप समझे मिड 18 and 20 के आसपास पड़ गई। सही है जी। तो दिस कंडीशन में अगर आप अभी निकालते हो तो आप तो फिर मेरे ख्याल से 2.5 super मांगोगे।
नहीं नहीं मैं आवाम वाले पैसे नहीं मांगता, मैं आपको सच बताऊंगा। पार्ट्स वार्ट्स का मतलब कभी कोई इस तरह का मसला हुआ कि पार्ट्स मिले? इसके पार्ट्स बहुत इजी हैं अभी, इफ़ यू इवन सर्च ऑन OLX, क्योंकि मैं जब मैंने इसको बीच में बेचने का भी किया, लोग भी मुझसे बोलते थे कि वालिद साहब नहीं मांग रहे, पार्ट्स नहीं मिलेंगे। सही। तो मैं उनको कहता था आप OLX खोलो, द ओनली थिंग आई वांट यू टू सर्च इज क्राउन 1986। एंड आई किड यू नॉट कि जब मुझे लोग पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम जान ढूंढना शुरू करोगे ना, तुम्हें इसकी हेडलाइट्स 5,000 की मिलेंगी पेयर। सही है। इसकी ग्रिल 4,000 रुपए की है। As of right now. Yes. And the best part about this car right now is this is chassis के ऊपर की गाड़ी। I can take this body out. और अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं नई क्राउन की बॉडी चढ़ा सकता हूँ। That is a very good point कि अगर in case I sell this car to anyone right now, so that guy if he has more money, मुझसे ज़्यादा अगर उसका शौक है तो वो इसके ऊपर आराम से 2009 वाली या 10 वाली या एटलीस्ट 2000 वाला मॉडल क्राउन का उसकी बॉडी ऊपर चढ़ा के आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। नो वन इज एक्चुअली गोना फाइंड आउट व्हाट ही इज ड्राइविंग। ऊपर से ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। इसका VIP नंबर लगा हुआ है 3 digit का, 2 alphabets and 3 digit। तो दिस कार इज एक्चुअली वेल मेंटेन्ड, वेल इक्विप्ड। इवन लोग मेरा ये रूफ हेडलाइनर देखते हैं, इट्स सो क्लीन। लोग मुझसे 3 दफ़ा पूछते हैं यार चेंज तो नहीं कराया। इवन जो आप ये जो जापानीज लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 86। नथिंग इज चेंज इन दिस कार, नॉट इवन दिस। रस्ट भी नहीं, तुम कह रहे हो रस्ट भी नहीं है। आप किसी से भी इस गाड़ी को चेक कराएं, मैं किसी से भी अगर उसने ज़रा सा भी निकाल दिया कि ये गाड़ी का पेंट इस साइड से पेंटेड है या कुछ है, आई विल बी द वन पेइंग दैट। अभी आप देखें पीछे भी स्पेस इतनी ज़्यादा है, एनीवन कैन सिट, जबकि हम दोनों ने अभी तक सीट्स आगे पीछे नहीं की। और आगे भी आप देखें, वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू सिट इन। उसके बाद इसके ग्लव बॉक्स भी बड़ा अच्छा है, वेल हियर इतना स्पेस है। और अच्छा वो वाला मसला भी नहीं आ रहा ना, किसी नई गाड़ी बैठे तो आपके डैशबोर्ड कम से कम यहाँ पे आ रहा होता है। ऐसा ही है। उसके बाद हेड का भी एक मसला होता है। 86 की गाड़ी होने के बावजूद लाइक क्रेसिडा भी है आज मार्केट के अंदर। उसके बाद इसके मैनुअली एडजस्ट करने के लिए भी हेडरेस्ट है हम दोनों की। सही है। उसके बाद ये आई डोंट नो व्हाट दिस फंक्शन इज कॉल्ड, बट दिस थिंग एक्चुअली हेल्प्स द बैक, कि आपकी बैक को आगे पुश भी करता है, बैक भी कर देता है। एक्चुअली आई एम जस्ट वाचिंग दिस कि मतलब फेड भी नहीं हुआ कुछ। नहीं, फेड दिस इज ओरिजिनल कलर, दिस इज एवरीथिंग इज ओरिजिनल इन दिस कार। इवन द सेंसर्स इन दिस कार इज ओरिजिनल, एवरीथिंग इज ओरिजिनल इन दिस कार। इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है, एसी है, ऑटो एसी है, एवरीथिंग इज इक्विप्ड सिंस 86। इसके जो मोनोग्राम, इवन जो सामने क्राउन लिखा हुआ है, ये भी 86 में जो टोयोटा ने लगाया था डोर गार्ड पे, जो टोयोटा ने लगाया था डोर गार्ड, वो भी 86 का। बहुत अच्छा, मतलब तुमने रखा हुआ इसको यार। इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इसी तरीके के। अब हमारे पास और कुछ है नहीं ना, बट द थिंग इज कि एक बंदा कोई स्वाब सोचता है ना, तो पहले उसको ये डर होता है कोई चूना ना लगा दे। सही बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग चूना लगाते हैं। जी, कराची की बात नहीं है, पंजाब में भी बहुत चूना लगता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आज, बड़े अच्छा। बड़े बड़े बैठे हैं स्वैब साले, और मैं उनको जानता हूँ, वो लेते मेरे जो हैं स्वैब लैब्स वाले, उनसे चीजें लेते हैं। सही है। जितने की वो चीज लेते हैं उसकी डबल की आगे बेचता है। अगला बंदा बोलते दिल में सोचता है, फिर आप यही सोचे ना कि वाई वुड समवन वांट टू यू नो ऑप्ट फॉर दिस थिंग, जबकि ये चीज इतना अच्छा शौक है। जैसे सुनील भाई ने एक दफा कहा था कि सबसे अच्छा शौक ये है, माँ बापों को ये अलाउ करना चाहिए। अभी आप ये देखें, बच्चा अभी मुड़ मुड़ के देख रहा है ऐसे। अब ये देखें बच्चा, ये फीलर जो है ना, हाँ, अब ये बच्चा देख रहा है माशाल्लाह से मेरी गाड़ी को। अब ये जब बड़ा होगा, ये कोई शौक की तरफ जाएगा, वो गाड़ियों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसको पता चलेगा यार अब्बा की आधी कमाई इसमें चली जाएगी, तो व्हाई वुड ही गो फॉर दिस थिंग। पहले के टाइम पे ना ये मैनेज हो जाती थी चीज़। ऐसा ही है। बिल्कुल। आज पेट्रोल भी आसमान पे बैठा हुआ है आपका। इवन पहले कहा जाता था डीजल बड़ी अच्छी एवरेज देती है, डीजल पेट्रोल से महंगा है। पाकिस्तान में जो है ना, हम उल्टा जा रहे हैं। बट लाइक मैं यही बोलूंगा यंगस्टर्स को, गो फॉर समथिंग जो कि इस तरह की चीज है, अदर देन ऑप्टिंग फॉर मार्क एक्स हो गई या ये हो गई। यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बाइक्स बना लो आप। यार बिलाल भाई, बहुत मजा आया, काफी इंफॉर्मेटिव यूजर रिव्यू रहे, एंड आई एम रियली अमेज्ड कि मतलब इतनी पुरानी गाड़ी और इतने फंक्शन, इतनी चीजें। अब मुझे तो लगता है कि बैकवर्ड्स गए हम लोग टेक्नोलॉजी में इसको देख के। मुकाम पे आ चुके हैं, लोग आगे जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं। बट अगर आप जापान में भी देखें ना, JDM गाड़ियाँ, दे प्रेफर दीस कार्स। सीरियसली कौन प्रेफर नहीं करेगा यार। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने पार्क पिलर्स को ये भी बताता चलूं,
कि इस तरह की कोई भी विंटेज कार आपने देखनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएं, एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने लेनी है या आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, और इसके साथ साथ आप फ्री के एड्स भी पोस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, और बाइंग सेलिंग की किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके ऊपर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि नीचे हमारी इसी वीडियो के साथ लिंक के अंदर एक फॉर्म अटैच किया हुआ, उस फॉर्म का मकसद ये है कि उसमें आप लोग अपनी किसी भी गाड़ी का यूज़र रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें और साथ साथ गाड़ी की पिक्चर्स अटैच करें, देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और उस गाड़ी का फिर यूज़र रिव्यू की तरफ हम लोग जाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम तक ये बात को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।